नगर परिषद आयुक्त पद पर एक बार पुनः एसडीएम राहुल जैन ने कार्यभार संभाल लिया है। एसडीएम जैन द्वारा आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद शहर में एक बार फिर से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके तहत शहर के छावनी फाटक ब्यावर खास रोड पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों की शिकायत पर शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त के निर्देशों पर अतिक्रमण शाखा ने सीज की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण शाखा ने ब्यावर खास रोड पर निर्मित करीब 25 दुकानों पर नगर परिषद का ताला लगाकर सील चपड़ी लगाते हुए 90 दिनों का नोटिस दुकानों के शटर पर चस्पा किया है। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद अतिक्रमण शाखा दस्ते सहित सदर थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। बता दें कि नगर परिषद का दस्ता जब दुकानों को सीज करने के लिए मौके पर पहुंचा तो कई दुकानों में तो दुकानदार अपनी दुकान चला रहे थे, जिस पर नगर परिषद के दस्ते ने कार्यवाही करते हुए दुकानें खाली करवाई तथा उन पर नगर परिषद का ताला लगाकर सील लगाते हुए सभी दुकानों पर 90 दिनों का नोटिस चस्पा कर दिया। नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित दुकानों के सीज करने की जानकारी मिलते ही मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। नगर परिषद के गैराज प्रभारी रतन सिंह पंवार ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन को लंबे समय से छावनी फाटक बाहर ब्यावर खास रोड पर अवैध रूप से दुकानों के निर्माण होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को आयुक्त की ओर से दिए गए सीज के निर्देशों के बाद अतिक्रमण शाखा के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जगदीश प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल मारोठिया की 8 दुकानों को आगामी 90 दिनों के लिए सीज कर दिया। इस तरह से नगर परिषद की टीम ने रामदेव मारोठिया पुत्र कन्हैयालाल मारोठिया की भी 7 दुकानों पर नगर परिषद का ताला लगाकर सीज कर दिया गया। इस दौरान नगर परिषद के दस्ते ने पुष्कर राज मारोठिया की 4 दुकान तथा कैलाश मारोठिया की 6 दुकानों को भी खाली कराकर उनके नगर परिषद का ताला लगाकर सीज कर दिया गया। इस दौरान दुकान मालिक रामदेव मारोठिया ने बताया कि उनके पास नगर परिषद प्रशासन की ओर से करीब 2 माह पूर्व नोटिस मिला था, जिसका जवाब भी उनके द्वारा नगर परिषद को दिया गया। रामदेव ने बताया कि उन्होंने पूर्व सरपंच चंपालाल गहलोत से भी दुकानों के निर्माण से पूर्व अनुमति ली थी, जिस पर उन्हें NOC भी जारी की गई। साथ ही बताया गया कि यह जमीन ग्राम पंचायत सीमा में आती है, इस पर दुकान का निर्माण किया जा सकता है, जिसके बाद इन दुकानों का निर्माण कराया गया था। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद टीम के सिंह, रतन सिंह पंवार, जयर अंजुमन अंसारी, उमर फारूक जमादार, सुनील पंडित, रोबिन खारू, नीरज तर्क, राकेश परिहार, ऋषिराज हंसराज, चंद्र प्रकाश तथा भानु प्रताप शामिल थे। कार्यवाही के दौरान सदर थाना पुलिस का भी जाब्ता मौजूद रहा। श्रीमान नायक महोदय, खंड अधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये व्यवस्था छोड़ के लगभग 4 लोगों ने 25 दुकानें बिना लाइसेंस चेंज किए और बिना निर्माण के 24 निर्माण कर दिए हैं। उनकी श्रीमान के आदेशानुसार नियमानुसार सीज की कार्रवाई परिषद की टीम द्वारा की गई है और इस प्रकार और भी आगे कार्रवाई जिस प्रकार हमें निर्देश प्राप्त होंगे नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। 25 दुकानें हमने अभी सील कर दी है, प्रकरण आएंगे नियमानुसार जांच करके श्रीमान के आदेशानुसार आगे अग्रिम कार्रवाई जारी रहेगी। सफलता में 21 वर्ष होने पर अजमेर टेलर्स जय भोले की दुकान एक भव्य शोरूम आपके लिए लाए हैं। एक ही छत के नीचे रेमन, ओनली विमल, सियाराम, मफतलाल और भी अन्य ब्रांडेड कंपनियों के शूटिंग शर्टिंग्स उपलब्ध है। भव्य शोरूम की रीओपनिंग के मौके पर आप पाएंगे रेडीमेड 750 रुपए में मोदी जैकेट, 2000 रुपए में ब्लेजर, 2500 रुपए में पार्टीवेयर कोट, 3000 रुपए में इंडो वेस्टर्न शेरवानी की विशाल रेंज। साथ ही शादी पार्टी व अन्य उत्सवों पर सभी तरह के सूट, शेरवानी, पैंट शर्ट, जैकेट, ट्राउजर सिलवाने का एकमात्र स्थान अजमेर टेलर्स जय भोले की दुकान, बालाजी टावर, जोधपुर बस स्टैंड के सामने, सियंदा रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर नोट करें 9214072153, 9828084254।